कर दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलने वाला है दोस्तों। जब आप लोग देख पाएंगे कि लगातार लक्ष्मी ऋषि की बात होती हैं और इधर जो बात हो रही है, आप लोग जानते हैं कि इस समय ऋषि की मॉम नीलम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि आखिरकार लक्ष्मी कब इस घर से बाहर जाएगी। वहीं बात की जाए तो इस समय विक्रांत सगाई के लिए इस समय रेडी हो रहा है, लेकिन दोस्तों इतनी ही टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है लगातार ऋषि को, क्योंकि ऋषि नहीं चाहता कि किसी भी तरीका से लक्ष्मी के साथ में बुरा हो और लक्ष्मी इस घर से जाए। हालांकि दोस्तों इसी चीज़ को लेकर आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और आर्ग्यूमेंट भी थोड़ी घनी नहीं बल्कि इस समय एक अच्छे खासे लेवल की दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट फिर से नज़र आ रही है, जहां पर साफ साफ बोलता हुआ नज़र आ रहा है ऋषि, वो भी लक्ष्मी से, कि लक्ष्मी तुम अपने आप में ज़्यादा चालाक मत बनो, क्योंकि जो मैं कह रहा हूँ मेरी कम से कम थोड़ा सुनना पसंद करो, क्योंकि तुम अपना ध्यान कभी नहीं रखती हो और मैं जानता हूँ कि वो भी तुम्हारा ध्यान नहीं रखेगा, इसलिए जो तुम्हारे दिल में है तुम वही कर रही हो। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि कहानी वाकई में एक और भी ट्विस्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है। बात की जाए इस समय की, तो जल्दी ही लक्ष्मी बोलती हुई नज़र आएगी कि ये मेरी ज़िंदगी है और अपनी ज़िंदगी के फैसले मुझे स्वयं लेने आते हैं, अब मुझे किसी को किसी भी तरीका की सफाई देने की कोई ज़रूरत है भी नहीं। आप लोग जानते हैं कि ये सब कुछ इसलिए बोल रही है लक्ष्मी क्योंकि दोस्तों नीलम और मलिष्का लगातार लक्ष्मी के ऊपर भड़कती हुई नज़र आ रही हैं। दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जल्दी ही आप लोगों के बीच में एक बार फिर से कहानी में एक और भी बड़ा स्वाद आता हुआ नज़र आ रहा है। आप लोग जानते ही हैं कि इस समय सभी लोग काफ़ी ज़्यादा टेंशन में नज़र आ रहे हैं, और टेंशन की एक नहीं बल्कि इस समय कई कई चीज़ देखने को मिल रही हैं दोस्तों। साथ ही आप लोगों के बीच में मैं हूं रोहित नागर। जी हां दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़ के पुनः निवेदन करना चाहूँगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए गाइज कैसे लग रही है मेरी वीडियो वाइज, एंड थैंक।